Hey guys, welcome to FJB Vlogs, and I'm back with another video which is after 29 days. Main bataunga kyun. Actually main Bhayavari mein tha aur wahan pe thand zyada hai as compared to Siliguri. To jab main wahan pe tha tab weather thoda thand hone ki wajah se main bimar pad gaya tha, like fever, cold and cough. Fever to ek do din mein theek ho gaya par cough theek nahi ho raha tha. उसकी वजह से मेरा गला भी ख़राब हो गया था, मतलब वॉइस सूख गया था, बोलने में तकलीफ़ हो रहा था, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला. एंड अब बात करते हैं इस वीडियो की टाइटल की, जो कि है अबाउट सेकंड सर्विसिंग. एक्चुअली मुझे कल फ़ोन आया था सर्विस सेंटर से कि मेरा सेकंड सर्विसिंग का टाइम हो गया है. सो या मैं अभी वहीं जा रहा हूँ. एंड आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने यहाँ पर GPS सेट क्यों किया है. एक्चुअली जिस सर्विस सेंटर में अभी जा रहा हूँ वो है 2 माइल में. सो मैं इतना सर्विस सेंटर या फिर शोरूम जाता नहीं हूँ, इतना काम नहीं होता है. लास्ट टाइम जब मैं सर्विस सेंटर गया था तब था अप्रैल को, जब मेरा फर्स्ट सर्विसिंग था. तब से लेके अभी दिसंबर में 8 मंथ्स में अभी जा रहा हूँ सेकेंड सर्विसिंग आफ्टर 8 मंथ्स. सो मैं थोड़ा रास्ता भूल गया था क्योंकि मैं इतना जाता नहीं हुआ रोड. सो या गाइस, मैं दार्जिलिंग मोड़ पहुंचने वाला हूँ और मैं जा रहा हूँ चंपासरी से. सो गाइस, मैं दार्जिलिंग मोड़ पहुंच गया हूँ. सो गाइस, ये रहा दार्जिलिंग मोड़. यहाँ से आपको व्हीकल्स वगैरह मिल जाएंगे आपको कहाँ जाना है, और यहाँ से आप राइट जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे मथिगढ़ा, बागडुगरा सिटी सेंटर. और मैं अभी जा रहा हूँ लेफ़्ट, जो कि जाएगा सीधा जाएंगे तो चंपासरी. इफ़ यहाँ से आप लेफ़्ट साइड नीचे चले जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे मल्लागुड़ी, प्रधान नगर, गुरुंग बस्ती. और मैं जा रहा हूँ सीधा, जो कि सीधा निकलेगा चंपासरी. सो स्टे ट्यून गाइस.
एंड गाइस मैं वहाँ पे सर्विसिंग का, मैं जो सर्विसिंग होता है बाइक का, मैं उसका फुटेज रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि ये जस्ट एक फ्री सर्विसिंग है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जस्ट मोबिल चेंज और एयर फिल्टर वगैरह साफ़ कर देंगे, पार्ट्स वगैरह टाइट कर देंगे। एंड लास्ट में आप लोगों को मैं टोटल कॉस्ट बताऊँगा कि मुझे सेकेंड सर्विसिंग में कितना लगा और फर्स्ट सर्विसिंग में भी। सो गाइस मैं शोरूम पहुँच गया हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में है यहाँ पे सर्विस सेंटर। सो लेट्स गो गाइस। एंड गाइस ये रहा केटीएम का सर्विस सेंटर और ये रहा बजाज का। सो लेट्स गो। हे गाइस, डन विद द सर्विसिंग, मैं घर आ गया हूँ। मेरा मेन रीज़न ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं आप लोगों को एक एस्टिमेट अमाउंट बताना चाहता हूँ कि लाइक फ्री सर्विसिंग के टाइम कितना अमाउंट मतलब लगता है। डिपेंड करता है कि आपका मतलब बाइक का कोई पार्ट्स वगैरह ख़राब हो गया तो वो अलग ही बात है, आपको उसमें ज़्यादा लगेगा लगेगा, मतलब डिपेंड्स आपका क्या पार्ट मतलब लगाना है, कौन सा पार्ट ख़राब हुआ है डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से आपका ज़्यादा ही आएगा। पर एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो सर्विसिंग में लगता है वही मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। जैसे कि बात करते हैं फर्स्ट सर्विसिंग की, मेरा फर्स्ट सर्विसिंग हुआ था अप्रैल को 573 किलोमीटर में, जो ऊपर लिखा है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आया है 572, कि अभी आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, आप पॉज करके भी देख सकते हैं कि क्या किस में कितना आया है। फ्री सर्विसिंग है इसीलिए आपका लेबर चार्ज वगैरह नहीं लगता है, खाली जो वो डालते हैं जैसे कि मोबिल वगैरह वो उसका ही कॉस्ट लगता है विथ GST वगैरह, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, वहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड सर्विसिंग की गाइस, जिसके बारे में ये वीडियो है। मेरा सेकेंड सर्विसिंग वो है यही मंथ जो मैं वीडियो ब्लॉग डाल रहा हूँ। टोटल किलोमीटर हुआ था 4088 किलोमीटर, जो कि आपकी स्क्रीन में अभी आ रहा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं पॉज करके। जैसे कि ये मेरा आप अमाउंट देख सकते हैं कितना लगा, 572, जैसे फर्स्ट सर्विसिंग में लगा था वैसा ही यही सेकेंड सर्विसिंग में उतना ही लगा, क्योंकि मेरा कोई पार्ट्स वगैरह मतलब कोई डैमेज नहीं हुआ था, सो एक्स्ट्रा चार्जेस मुझे वहाँ पे नहीं लगा, मतलब पार्ट्स वगैरह मतलब नहीं लगाना पड़ा, इसलिए मेरा कोई भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं लगा वहाँ पे, खाली जितना सर्विसिंग में होता है उतना ही लगा है। दिस इज इट गाइस, इफ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आई सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, पीस।